सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि फोनेटिक्स में हम लोगों ने चार पार्ट पहले से देख चुके हैं। ये वाला जो मेरा पार्ट होने वाला है, ये मेरा पांचवा नंबर का फोनेटिक्स का वीडियो होगा, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इसके पहले वाला वीडियो में जो हमने बात किया उसको पहले एक बार ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि फोनेटिक्स जो है उसको मैं फर्दर जितने पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, वो मैंने बता दिया था कि इसको दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, वोवेल और कंसोनेंट में, ठीक है। और वोवेल को दो पार्ट में डिवाइड किया था हम लोग, मोनोथोंग्स और डिपोथोंग में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग दे चुके थे। और हम लोग यहाँ पे कॉन्सोनेंट को जो डिवाइड किए थे, ये वॉइस्ड और वॉइसलेस में डिवाइड किए थे, तो ये वॉइस और वॉइसलेस भी मैंने बता दिए थे अपने पिछले ही वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद से हम लोगों ने कॉन्सोनेंट को एक और बेसिस पे डिफाइन किए थे, तो उस पर उस बेसिस पे हम लोगों ने कॉन्सोनेंट को पाँच कैटेगरी में डिवाइड किए थे, ठीक है। पाँच कैटेगरी जो थे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला प्लोसिव था, जिसमें सेकेंड का फ्रिकेटिव और अफ्रिकेटिव और सोनोरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद से ये ग्लाइड्स था, ठीक है। तो जिसमें कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस वाले टॉपिक के ऊपर हम लोग डीपली बात किए थे कि प्लोसिव क्या होते हैं, ठीक है, प्लोसिव के कितने पार्ट होते हैं, प्लोसिव में कैसे कैसे क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोगों ने जान लिया था। और आज जो हम सेकंड वाले बात करने वाले हैं, ये फ्रिकेटिव्स के बारे में हम लोग डीपली बात कर रहे हैं कि फ्रिकेटिव कितने होते हैं, फ्रिकेटिव किसको बोलेंगे, ठीक है, और फ्रिकेटिव को किस तरीके से हम लोग पूरा एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए, आइए आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था, यही बताया था कि हम लोगों ने प्लोसिव को यहाँ पे डिवाइड किए थे। तो प्लोसिव को बेसिकली मैंने तीन पार्टों में डिवाइड किया था, पहला बाइलोवियल प्लोसिव और दूसरा एलोवियल प्लोसिव और तीसरा वेलर प्लोसिव, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में ही देख चुके थे, ठीक है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो आप जा करके वीडियो में प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, या यहाँ पे एक आपको यहाँ पे एक आई टैप आ रहा, उस आई टैप के थ्रू भी देख सकते हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो यहाँ पे बात करने वाले हैं मेनली हम लोग फ्रिकेटिव्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि फ्रिकेटिव जो होते हैं वो किसे कहेंगे, इसके पहले हम बारे में बात करते हैं। देखिए, फ्रिकेटिव उसे बोलेंगे कि नैरोइंग एयर पास एंड एडियोबल फ्रिक्शन, यानी कि थोड़ा सा स्लाइडली नेरोइंग में क्या होगा, एयर पास करेगा और वो एयर जो पास करेगा वो फ्रिकेटिव पास करेगा, यानी कि फ्रिक्शनल पास करेगा, जो कि हमें क्या होगा, एडियोबल भी होगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे फ्रिकेटिव बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, फर्दर जो हम लोग फ्रिकेटिव को क्लासीफाई करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे चार पार्टों में डिवाइड करते हैं, सॉरी पाँच पार्टों में डिवाइड करते हैं। कितना, पांच पार्ट में, पांच पार्ट कौन कौन से, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपको यहाँ पे लेबियो डेंटल देखने को मिलेगा, ठीक है, लेबियो डेंटल यहाँ पे, ठीक है, सॉरी। और देन उसके बाद से आप लोगों को देखने को मिलेगा डेंटल, उसके बाद से आपको एलोवेलर मिलेगा, उसके बाद से आपको प्लेटो एलोवेलर मिलेगा, फिर उसके बाद से आपको ग्लोटल मिलेगा, ठीक है। ये पांच कैटेगरी में हम लोग फ्रिकेटिव को डिवाइड करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि फ्रिकेटिव में जो यहाँ पे फर्स्ट वाला दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है कि लेबियो डेंटल, लेबियो डेंटल में कौन कौन से इसके अंतर्गत जो आएंगे, वो कौन कौन से आपके पास ये साउंड आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लेबियो डेंटल किसको बोलेंगे। तो लेबियो डेंटल उसे बोलेंगे जिस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करने में हमें लोअर लिप्स, क्या मैं बोल रहा हूँ, लोअर लिप्स और अपर टीथ का फ्रिक्शन होगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, लेबियो डेंटल। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि लेबी मतलब होता है कि आपका लिप्स, और डेंटल मतलब होता है आपका दांत, यानी कि लेबियो डेंटल मतलब कि लिप्स और दांत का कॉम्बिनेशन से ऐसा वर्ड जिससे प्रोड्यूस करते समय हम क्या होगा, फ्रिक्शन आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेबियो डेंटल फ्रिकेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो ये अब हम लोग समझते हैं कि लेबियो डेंटल फ्रिकेटिव कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, यहीं पे दो ही आपका लेबियो डेंटल फ्रिकेटिव होते हैं, वो आपके कौन होते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फ और व होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग सेकेंड का बात करते हैं यहाँ पे कि डेंटल जो होता है, ये डेंटल, ठीक है, ये डेंटल में हम लोग किसे बोलेंगे डेंटल। तो देखिए, डेंटल के यहाँ पे डिफरेंस मैंने लिखा है कि क्लोजर बिटवीन टिप्स एंड टंग, यानी कि क्लोजर जो होगा, यानी कि जो माउथ का शेप होगा वो क्या होगा, क्लोज होगा बिटवीन टिप्स, टिप एंड टंग, और जो फ्रिक्शन होगा वो इन दोनों के बीच से फ्रिक्शन होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे क्लोजर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे डेंटल बोलेंगे। और डेंटल में कौन कौन से आते हैं इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए दो ही वर्ड आते हैं, वो कौन कौन से, थ और द, ठीक है, क्या आते हैं, थ और द, ठीक है। देन उसके बाद से हम लोग पास आता है यहाँ पे एल्वियोलर आता है, ठीक है, एल्वियोलर आता है। तो एल्वियोलर के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि एल्वियोलर किसे बोलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि टंग एंड टीथ, टंग एंड टीथ रीज फ्रिक्शन यहाँ पे करते हैं, यानी कि टंग और टीथ का यहाँ पे रीज का फ्रिक्शन होता है, जिससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो साउंड कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ये होते हैं स और ज, क्या होते हैं, स और ज। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, ये आपका
एल्वियोलर फ्रिकेटिव हो जाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद से हम लोग थर्ड फोर्थ की बात करते हैं जो कि आपका होता है प्लेटो एल्वियोलर, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लेटो एल्वियोलर का डिफ्रेशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टंग ऑफ टीथ रिज, ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, टंग ऑफ टीथ रिज विथ फ्रंट एंड हार्ड टू प्लेट फ्रिक्शन, यानी कि जो टंग और रिथ जो होते हैं वो आपस में क्या होंगे, एक तरीके से स्पर्श करेंगे और एक फ्रिक्शन आएगा जो कि ये फोर्स लगाता है कि फ्रंट हार्ड की तरफ फोर्स लगाता है और उससे एक फ्रिक्शन डेवलप होता है और साथ ही साथ वॉइस निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेटो एल्वियोलर। अब प्लेटो एल्वियोलर कौन कौन से होते हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि प्लेटो एल्वियोलर भी दो ही होते हैं, वो कौन होते हैं, एक स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे जो बनाए हैं उसको क्या बोलेंगे, स, और ये कौन सा वाला स है, तो एस एस से जो तलावे स होता है ये वाला स होता है, ठीक है, स, और ये क्या होता है, ज, स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स, और ये वाला ज होता है, ठीक है, तलावे स, और इस दोनों में हलंत होता है, मतलब कि आधा आधा मात्रा दोनों को मिला करके पढ़ते हैं, उसको बोलेंगे ज, ठीक है। अब देखो इसके बाद से हम लोग बात करते हैं फिफ्थ नंबर का जो कि आपका ग्लोटल होता है, ठीक है। तो देखिए ग्लोटल जो होता है उसको एक समझते हैं, देखिए ग्लोटल जो होता है आपका नेरोइंग वोकल कॉर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, नेरोइंग वोकल कॉर्ड्स, यानी कि वोकल कॉर्ड्स के थ्रू हम लोग नेरोइंग से इसको स्पर्श करते हुए फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करते हुए इसको उच्चारण करेंगे, तो वही क्या होगा आपका पास, वही आपका ग्लोटल हो जाएगा। और ग्लोटल मात्र एक ही होता है, वो कितना होता है, कौन सा होता है, वो आपका एस होता है, किसको क्या बोलेंगे, हाँ, क्या बोलेंगे, हाँ। देखिए कभी भी आपको मैंने बोला है कि इसको एच ना पढ़ा कीजिए, कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाता है, बस इसको एच नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे हाँ, क्या पढ़ेंगे, हाँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जैसे कि पिछले वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था, तो आपको बताया था कि जो आपको कॉन्सोनेंट होते हैं उसको हम लोग पांच पार्टों में डिवाइड किया था यहाँ पे, ठीक है। और जिसमें कि मैंने बताया था कि फ्रिकेटिव्स जो होते हैं वो आपके नौ होते हैं, कितने होते हैं, नौ। तो जो भी मैंने अभी आपको बताया है ये फ्रिकेटिव ही बताया, तो ये वाला देखिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, ये फ्रिकेटिव मैंने कितने बताया आप लोगों को, नौ, तो ये सब जोड़ करके नौ होना चाहिए था, तो जुड़िए यहाँ पे दो ये होगा और दो ये हो गया चार, और ये एक पाँच, पाँच ये दो कितना हो गया सात, ठीक है। और थोड़ा सा इसको मैं काट करके यहाँ पे देखिए ये आपका कितना होगा, ये वाला दो होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, नौ, यानी कि नौ यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और देखिए कुछ लड़कों का कमेंट आ रहा था कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन के बारे में कुछ आइडिया, तो इसके लिए मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच वन डज नॉट हैव अ डिफोथोंग, ठीक है, यानी किसके पास डिफोथोंग नहीं है, यानी कि डिफोथोंग नहीं है का मतलब कि डिफोथोंग का साउंड नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो जितने भी मैंने फोनेटिक्स का वीडियो लिया है उसको आपको देखना पड़ेगा सर, ठीक है। और खास करके आपको डिफोथोंग का क्वेश्चन है तो आपको डिफोथोंग जितने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि डिफोथोंग कितने होते हैं, आठ होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता होगा तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए जब आप वाई का यहाँ पे कीजिएगा फोनेटिक्स रिप्रेजेंटेशन में, इसको जब चेंज कीजिएगा तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये वाला ई कुछ इस तरीके से आपका आएगा इसका फोनेटिक्स, ठीक है। इसको कैसे निकालना है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, और प्रैक्टिस के लिए मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा तो यहाँ पे ज़्यादा मैं आपसे अच्छा से बात कर पाऊंगा, बट मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगा। तो इसका जो है फोनेटिक्स रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और इसमें देखिए ये वाला जो दोनों है, ये क्या आ रहा है आपका डायथोंग होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं आपका डायथोंग होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डायथोंग तो है, ये वाला तो है ना, तो ये तो है, लेकिन ये हमसे क्या पूछा रहा है कि किसमें नहीं है, ठीक है, तो ये कभी मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देन उसी तरीके से हम लोग जब बात करेंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे, हम लोग बात करेंगे आई की, ठीक है। तो आई का जब हम फोनेटिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये आपका इस तरीका से आता है, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बंद रखेंगे क्वेश्चन में। तो देखिए जब इसमें भी देखिएगा तो ये ए आई आपका क्या आ रहा है, दो भावल का क्या आ रहा है, कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो दो भावल का कॉम्बिनेशन तो आपका डिपोथंग होता है, यानी कि इसमें भी डिपोथंग आ रहा है, लेकिन पूछा है कि नहीं आना चाहिए था, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड नंबर की बात करेंगे स्पाइन की। तो देखिए स्पाइन में जो हम लोग इसका करेंगे तो स्पाइन का क्या होता है, ये स्पाइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और स्पाइन में देखिए यहाँ पे कोई भी डिफोथोंग नहीं आ रहा है, क्योंकि डिफोथोंग जब भी आता है तो वो क्या आता है, दो भावल का कॉम्बिनेशन आता है, बट यहाँ पे कोई भावल का कॉम्बिनेशन तो आ नहीं रहा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर का। और आप सोच रहे हो कि आई के बारे में क्या कहना है, तो आई का जब आप कीजिएगा तो आपको आई का जो मिलेगा वो आपका
ए आई मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है इसका? ए आई मिलता है, जो कि क्या है आपका, ये भी एक डिपोथोन के अंदर आता है, तो ये आपका नहीं हो सकता आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड का, वो आपका स्पाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट का एक और क्वेश्चन है मेरे पास, इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट का ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द कार, जो करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन है वो कार का क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, जो है ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से करना है, यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको कन्फर्म कि आपको आता होगा, ठीक है। ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट कर देना कि हमसे नहीं हो पा रहा, मैं अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में बता दूंगा। तो आज के लिए मैं इतने रखता हूँ, और अपने आने वाले वीडियो में क्या डिस्कस करूँगा इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। देखिए अपने आने वाले वीडियो में अफ्रिकेटिव और सोनोरेंट और ग्लाइड्स तीनों एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और देन उसके बाद से हम लोग यहाँ पे फोनेटिक्स का कुछ प्रैक्टिस करेंगे अपने आने वाले वीडियो में, देन उसके बाद से हम फोनेटिक्स को यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।